खजनी थाना क्षेत्र के खोरठा गांव निवासी 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति मंगरू यादव गांव के बाहर पोखरे के किनारे अपनी भैंस को चरा रहा था। इसी बीच गांव का ही रहने वाला एक नशेड़ी व्यक्ति अनिल निषाद पुत्र स्वर्गीय रामधनी निषाद ने वृद्ध व्यक्ति मंगरू पुत्र तामेश्वर के पास पहुंचा। दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे नाराज नशेड़ी व्यक्ति अनिल निषाद ने वृद्ध व्यक्ति को पानी से भरे गड्ढे में डुबो दिया और दांत से काट कर बेरहमी से मार डाला। हत्या के बाद नशेड़ी व्यक्ति लाश के पास लगभग एक घंटे बैठा रहा। जब समय माता मंदिर के पुजारी ने घटना देखी तो गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और शव को नागरिकों के सहयोग से पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके संबंध में SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि खजनी थाना क्षेत्र के खोरठा गाँव में एक बुजुर्ग व्यक्ति को गाँव के ही एक व्यक्ति ने डुबो दिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है और शव को भी निकालने नहीं दे रहा था, जिसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर गांव के नागरिकों के सहयोग से मृतक का शव तालाब से निकाला और जिस व्यक्ति के ऊपर घटना कारित करने का आरोप है उसे भी लोगों की मदद से हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, थाना क्षेत्र में दर्ज कुडुबा में मारने का मामला सामने आया था। क्या आज सूचना मिली भी थोड़ी देर पहले कि थाना क्षेत्र खजनी के खोरठा गांव में एक व्यक्ति को जो लगभग 65 साल के हैं उनको एक नौजवान आदमी ने तालाब में डुबो दिया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है और शव को भी नहीं निकालने दे रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और वहां से ग्रामवासियों के सहयोग से मृतक का शव तालाब से निकाला गया है और जिसने घटना कारित की, जिस पर आरोप है, उसे भी सबकी मदद से हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों की तहरीर अभी प्राप्त हो रही है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग दर्ज कर लिया जाएगा, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही होगी और तहरीर के आधार पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति से आगे पूछताछ करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा।